जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे, जिसके लिए ली है मैंने पफ पेस्ट्री। इसकी रेसिपी मैं आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन है, आप उस पर क्लिक करके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। चिकन पैटीज की फिलिंग के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, चिकन लिया है मैंने, एक ब्रेस्ट मैंने लिया, उसको मैंने बॉयल किया, उसको श्रेडेड कर लिया। दूध लेंगे 1/2 कप, प्याज लेंगे 1 कटी हुई, मैदा लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर लेंगे 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, घी लेंगे 2 टेबल स्पून, घी लें या ऑयल लें या बटर लें, जो मर्जी ले सकते हैं। अंडा लेंगे ब्रश करने के लिए 1 अदद, पैन में डालेंगे ऑयल या घी, जो मर्जी डाल लें आप, मैं घी ले रही हूँ। कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको हमने सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है प्याज को। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, मस्टर्ड पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम मैदा, मैदा डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम श्रेडेड किया हुआ चिकन, अब हम इसमें डालेंगे दूध, और इसे गाढ़ा से कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। जैसे ये गाढ़ा होगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फिलिंग हो गई है तैयार, अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसको हम बेल के चिकन पैटीज तैयार करेंगे। इसको निकाल लेंगे, पहले डस्ट कर लें खुश्क मैदे का, जितनी आपको चाहिए आप ले लें और इसे हाफ कर लें। और इसको मैं निकाल लूंगी, इसे मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीजर में। जब आप इसे फ्रीजर से निकालें उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर में आने दें, उसके बाद आप इसके चिकन पैटीज तैयार। वो इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम 1/2 इंच बेलेंगे, जो डो की मोटाई होगी वो 1/2 इंच होगी। जब आप चिकन पैटीज की डो को बेलें उसकी मोटाई 1/2 इंच होनी चाहिए, ये देखिए इतनी होनी चाहिए। आप इस तरह का कोई भी कटर ले लें जो आपके पास होगा, उसे आप इस्तेमाल कर लें और इससे हम कटिंग करेंगे पफ पेस्ट्री। ये देखें निकालते जाएं। ये हमने काट लिया, अब इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे हम। कोई सा बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर ऑयल की हल्की सी ग्रीस कर लें, ऑयल को फैला लें। अब एक एक करके हम इस पर रखते जाएंगे। अब इसमें हम करेंगे एग वॉश। अंडा हमने लगा लिया, अब हम इस पर चिकन रखेंगे जो हमने तैयार किया हुआ था। एक एक चम्मच रखते जाएं चिकन की। ये लगा लिया हमने, अब जो बाकी के बेले हुए हमने कटर से काटे हुए हैं उसे रखेंगे उसके ऊपर। जो बाकी की डो बची है उसे मैं फिर से बेल के चिकन पैटीज की डो तैयार कर लूँगी। इस तरह करके आराम से थोड़ा सा डस्ट करें। और इसको उठा के यहाँ रख के
ऊपर डस्ट करें। और इसको बेल लें। इस तरह रखते जाएंगे सारे। अब इसे कोई सा भी कैप ले लें आपके पास होगा इससे कवर करने के लिए, ये दोनों जो हैं आपस में साथ में फिट हो जाए बिल्कुल। इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे इसे, दे दिया, ये हो गया। अब हम फिर से इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, अंडा लगाएंगे। अंडा हमने लगा लिया, अब हम इसे बेक करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पर रख के तकरीबन 20 मिनट के लिए, और इसे 200 डिग्री पर ही रख के हम बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। चिकन पैटीज बेक हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे हम। तैयार हैं चिकन पैटीज, हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन्हें रखते जाएंगे। तैयार है चिकन पैटीज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पफ पेस्ट्री बनाना सिखाई थी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया। अगर आपने पफ पेस्ट्री की रेसिपी नहीं देखी तो आप इस साइट पे देख सकते हैं, इसका लिंक नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर में बनाएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, यकीनन आप भी बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप बाज़ार के चिकन पैटीज जो बेकरी से मिलते हैं वो भूल जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया इसका, वाओ। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन आपके भी चिकन पैटीज बाज़ार जैसे बनेंगे। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। केचप लगाएं, साथ में खाएं, वाओ, बहुत ही मज़े के हैं। अब मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।